गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सुबह के 4:45 बज रही है और आज निकल रहा हूँ मैं एक नए देश में, और साथ में इस बार हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। सो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए जो भी हिंदी के शौकीन हैं। सो आज का जो प्लान है, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सेशल्स में। सेशल्स एक ऐसी कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है, छोटा सा टापू है, वीज़ा फ्री है, टिकट भी सस्ती थी। तो ठीक है, करा दी, अब चलते हैं। प्लान ये रहेगा कि आज है 25 जुलाई, मेरा बर्थडे है 29 जुलाई को, सो आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे देयर। वहाँ पे 2 से 3 आइलैंड है अच्छे से, जो आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। और इमिग्रेशन हो गया है, वीज़ा की जरूरत ही नहीं, पासपोर्ट रेडी है, बोर्डिंग करने का वेट कर रहे हैं। 5:30 बजे बोर्डिंग है। और इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड है अंजलि। हाय गाइस। सो अंजलि का बर्थडे है 27 जुलाई को, मेरा है 29 जुलाई को। सो हम दोनों वहाँ पे अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं। हाउ कूल इट इज़। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, लाइक वहाँ पे सिम कैसे मिलेगी आपको, किस प्राइस में मिलेगी, और इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस और पूछते हैं, फ़्लाइट का क्या रिव्यू है। सो अभी जैसे ही फ़्लाइट आएगी, उसमें बोर्डिंग करने के बाद मैं आपको ये सब चीज़ें शो करूँगा। और वहाँ लैंड करने के बाद कैसे कहाँ कैसे आपको एयरपोर्ट से बाहर सिटी में जाना है मेन, वो बाकी जो डिटेल्स है मैं आपको आगे दूँगा। सो कीप वॉचिंग। Pillow and one blanket for the journey, and there's a touch screen, entertainment screen. We'll get back to you when the food arrives. The crew member will also give you a form, kind of an attending form, which you have to fill and submit at the immigration, like basic details like name, address, and passport number, and all the details, all the various check-in sessions, and how many days, and other basic information. चारों तरफ समुंदर है, बिकॉज इट्स एन आइलैंड। और वेदर इज लाइक वेरी ओके, थोड़ी गर्मी है, धूप है बहुत तेज। सो मेनी आपका मशीन से आई डोंट नो इफ यू कैन हियर प्रॉपरली। सो लेट्स गो टू द इमिग्रेशन नाउ। So outside the airport, after the immigration, it took us like 30-40 minutes, and the questions were simple. They just want to see the return ticket and the hotel booking. You have to show all the hotel bookings, then they'll give you entry for like whatever the days you're, number of days you're staying. So just outside the airport, there is this ATM shop. Yeah. So these are the plans available for 30 days, and these are for 7 days. So we are staying for 6 days. So we are taking this 3 GB for 18 euro. So that will be, I think, enough for the stay.
तो अभी हम विक्टोरिया मेन जो कैपिटल सिटी है यहाँ की, वहाँ के बस स्टैंड पे आ गए हैं। सो आपको क्या करना होता है, जब एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टैक्सी लो जो लगेंगे 30 से 35 यूरो को जाने दो, 30 से 35 यूरो लगेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव लाइक 2000 समथिंग। बट एयरपोर्ट से बाहर निकलती है अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाओगी तो अपोजिट साइड में बस स्टॉप होगा और वहाँ से रेगुलर बसेज चलती है हर 15-15 मिनट में, और आपके लगेंगे उसमें SCR 7, मतलब लाइक 50 रुपये इंडियन करेंसी में लगेंगे, जिससे आप 20 से 25 मिनट में विक्टोरिया टाउन खोल सकते हो। सो दैट विल बी बेटर एंड चीपर एज वेल। सो विक्टोरिया जंक्शन आ गए हैं एंड यहाँ से हमारा जो एयरबीएनबी है वो अराउंड 1 किलोमीटर है। सो विल सी हाउ वी हैव टू गो, मे बी अनदर बस और मे बी यू कैन वॉक, लेट्स सी नाउ। सो जो हमारा एयरबीएनबी जो बुक किया है वो अराउंड लाइक 1 किलोमीटर है, सो वी थॉट ओके इट्स नॉट फार, लेट्स वॉक इट एंड मीनवाइल विल ऑल्सो सी द लोकल एरिया, विक्टोरिया कैपिटल सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, स्मॉल क्यूट प्लेस। $300 की करेंसी एक्सचेंज कराई है SCR में, जो सिक्सटीन रुपीज़ होता है। तो XE.com के अकॉर्डिंग करेंसी $300 के मिलने चाहिए थे, 4090 रुपये समथिंग, और हमको अराउंड इतना ही मिला है। सो इट्स वेरी वेरी गुड कन्वर्जन रेट। सो when you are coming to Seychelles, don't change your currency at the airport first of all, so just try to come to Victoria main city and go to any bank and then change the currency, you'll find the better exchange rate. Now let's go to our hotel. So finally 1 किलोमीटर की अराउंड वॉक के बाद हम अपने एयरबीएनबी है जो पहुंच चुके हैं, बहुत सही रूम है उस प्राइस रेंज में। मैं आपको यहाँ प्राइस बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे दूंगा अगर आप यहाँ कभी आ रहे हो उसको बुक करना चाह रहे हैं, और मे बी एक आपको एक कोड दूंगा जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए 1500-2000 रुपये का, तो नीचे वो सब डिस्क्रिप्शन में होगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। मैं आपको थोड़ा रूम दिखा देता हूँ पहले। तो एक तो पहले रूम के बाहर ये टेबल है, टेबल एंड चेयर, और सबसे बेस्ट बात जो इस जगह की मुझे लगी है वो यहाँ से जो इसका व्यू है माहे आइलैंड्स का, आप ये देखिए। सो काइंड ऑफ लिटिल हिल टॉप पे है ये, इसलिए शानदार बीच का और आइलैंड्स जो आसपास के आइलैंड्स उनका व्यू आ रहा है। तो मैं अभी आपको अंदर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। ये है कॉमन एरिया और जिससे डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, वाईफाई भी है जो यूजली सेशल्स में आपको नहीं मिलता है बहुत जगह, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है, पर इन्होंने वाईफाई दे रखा है। प्लस यहाँ पे गैस है, चूल्हा, माइक्रोवेव है एंड ऑल दिस ग्लासेस, मग्स एंड ऑल दिस स्टफ। ये है छोटा सा बाथरूम, वेस्टर्न जो होता है यूजली। उसके बाद ये है बेडरूम, एयर कंडीशन बेडरूम है, और ये है छोटा सा शावर। ये डबल बेड है, एक छोटा सा क्यूट सा बेड। तो अभी नहा के हम रेडी हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली अभी बहुत बाहर जाएंगे, लंच करेंगे, बहुत भूख लग रही है। सो वैसे कुछ खाया नहीं है, जो फ्लाइट में मिला था खाना जो नॉर्मल ठीक ठाक था वो खाया था, और थोड़ी यहाँ पे हाइकिंग करने के बाद थोड़ा चढ़ने के बाद और ज़्यादा भूख लग रही है, और पूरी रात नहीं सोए थे तो थकान भी है, सब मिला के इतनी तेज़ भूख लग रही है कि बस अभी खाएँगे सो जाएंगे, बस यही है, अभी निकलते फिर चलो। जो हमारा रूम था उसी के पास में ये एक रेस्टोरेंट था, मारिया एंटोनिटी समथिंग, लाइक 5 मिनट वॉक पे था, थोड़ा हाई एंड लग रहा है। सो अब जाके खा के देखते हैं क्या है खाना एंड ऑल, देयर आई शो यू द फूड एंड द रिव्यू। सो लंच आ गया है एंड आई डोंट नो व्हाट आर द आइटम्स हियर, बट बहुत सारा चिकन है, फिश है, राइस है, कुछ मैंगो का सैलड है, एक एग प्लांट बैंगन का भी कुछ है। तो इतना सब खाना है, साथ में बियर भी है, और बिल बहुत हाई आने वाला है, पर डे वन है, बहुत भूख लग रही है, सबसे पास में ये रेस्टोरेंट का। सो टोटल लंच का बिल हुआ
करीबन 2000 INR 414 सेशिलियन रुपीस, जिसमें हमने चिकन फिश पता नहीं क्या मैंगो का सलाद और एक बियर थी। सो टोटल मिला के दो जनों का खाना में 2000 रुपये समथिंग लग गया। इफ़ यू गो टू ए नॉर्मल लाइक दिस वाज अ गुड रेस्टोरेंट, थोड़ा और हाई एंड जाओगे तो महंगा, रास्ते पे खाओगे तो और सस्ता। सो अप टू यू व्हाट यू गाइस हाउ मच योर बडी इज़ योर बजट। तो सेशल्स इज लाइक दैट, महंगा भी है अगर चाहो तो सस्ता भी है। अभी थोड़ा रूम पे वापस जा रहे हैं, सोएंगे और शाम को देखते हैं क्या है, व्हाट एल्स इज देयर टू एक्सप्लोर। सिर्फ आज का दिन हमारे पास माहे में, कल हम कोई दूसरे आइलैंड निकल रहे जो मेन प्लान था। चलो भाई सोते थोड़ी देर। सो इवनिंग हो गया है एंड वी आर आउट टू एक्सप्लोरिंग द सिटी एंड व्हाट वी नोटिस दैट वी फॉरगेट टू बाय फेस वॉश। सो अभी एक इंडियन शॉप मिला है, दिस गाइस आर फ्रॉम चेन्नई और तमिल पीपल एंड वी गॉट दिस फेस वॉश फॉर 35 रुपीज़, विच इज़ लाइक 150 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। थैंक यू सर। ओके चलो बाय। सो आई हैव नोटिस्ड यहाँ पे इंडियंस बहुत है, मोस्टली जो ग्रोसरी स्टोर्स और आसपास जो भी स्टोर्स देखा मोस्टली सब इंडियंस ही है। तो चलो अब थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करते, नाइट लाइफ देखते कैसी यहाँ की। अराउंड 7 बज रही है एंड आसपास देखे जाए तो बहुत सन्नाटा है। सो मोस्टली यहाँ पे जो मैंने पता किया है कि शॉप्स जो होती है 8 बजे तक बंद हो जाती है, कुछ इंडियन शॉप्स जो होगी तो क्योंकि इंडियंस को बिजनेस करना पसंद है तो 9 बजे तक खुली रहेगी, और यूजली थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है मार्केट। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अगर यहाँ आ रहे हैं जो भी कुछ लेना है खाना पीना है थोड़ा पहले बाय कर ले। रेस्टोरेंट्स आई थिंक खुले रहेंगे पर नॉर्मल शॉप्स एंड ऑल थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है। ये देखिए सन्नाटा। सो वी आर बैक एट रूम, इट्स अराउंड 8:30 एंड ऐसा लग रहा है कि शहर सो गया है, कुछ मोस्टली शॉप्स सब बंद है, कुछ एक दो इंडियंस जो ग्रोसरी शॉप्स हैं खुली थी। तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट मिला था जो थोड़ा काइंड ऑफ बजट वाला लग रहा था क्योंकि अच्छी सी लाइन थी उसमें, तो हमने 2 बर्गर लिए और थोड़ी फ्राइज़ लिए और एक साथ में आइसक्रीम भी ली थी। तो पैक करा के लिया है, यहीं खाएँगे। तो उसके लिए हमने करीबन दिए थे 127 सेशिलियन रुपीज़, तो ये हो गया इंटू 5 कर लो जो भी है, ठीक है। और फिर रास्ते में 3 पाइंट बियर के उठा लिए जो 75 सेशिलियन रुपये, मतलब 125 रुपये का एक बियर पाइंट जो है वो फ्रिज में अभी रखा है ठंडा होने के लिए। थोड़ा ये रहा दिख रहा हो तो बाकी सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं और साथ में मिल्क भी है। तो कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क को मिला के आई थिंक कितना हो रहा है भाई, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क मिला के 40 सेशिलियन रुपीज़, मतलब अराउंड 200 रुपये हो रहा है। 200 रुपये में 2 जनों का नाश्ता हो जाएगा सुबह का। तो बजट में करना है सेशल्स तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप से लेके इस तरह का किचन अगर आपको एयरबीएनबी में मिलता है तो वहाँ खाना बना सकते हैं। बाकी अदरवाइज प्लेस तो एक्सपेंसिव है ही, इट इज़ नॉन टू बी एन एक्सपेंसिव प्लेस। बस यही है अभी, आई थिंक डे ऐसे ही एंड होने वाला है, बस अभी बियर पियेंगे थोड़ी बहुत और डिनर करेंगे देन एंड ऑफ द डे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो भी थॉट्स हो आपके, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। आपको कल मिलूंगा मैं इसी चैनल पे, कल मतलब अगले वीक में जो वीडियो आएगा, जो जब भी आएगा। सो कल यहाँ से हमारा प्लान होगा प्रालीन जाने का। सो देखते रहिए सीरीज, इन्जॉय कीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। सो बाय फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ट्रैवलिंग।